मठ के विवाद में पुजारी ने दिया डीएम को ज्ञापन, वहीं प्रतिवादी ने कहा मामला है बेबुनियाद। जी हां, यूपी के बलिया शहर के कोतवाली के छोटी मठिया का विवाद गहराता जा रहा है, जहां मठ के पुजारी ने डीएम को पत्रक देकर मठ की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने और बेचने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये सभी झूठा आरोप और बेबुनियाद है। बलिया शहर के दो कदम चौराहा स्थित छोटकी मठिया के पुजारी सर्वेश्वर दास सहित सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर स्थगन आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मठिया की जमीन की सुरक्षा करने की मोहल्ले वासियों ने मांग की है। मठ और मंदिर की स्मृति व रखरखाव में प्रतिवादियों द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप से रोके जाने की भी मांग की है। वहीं छोटकी मठिया में निर्माण कार्य कराने वाले पक्ष का कहना है कि मठ के तत्कालीन महंत महावीर दास ने उन्हें पावर ऑफ अटर्नी का 19 वर्ष का पट्टा दिया था, जिसके तहत मंदिर में दुकानों का निर्माण भी कराया गया था। किराए की आधी राशि मंदिर के रखरखाव के लिए दी जाती है। महंत की मौत के बाद पुजारी सहित कुछ स्थानीय लोग मठ पर कब्जे की नियत से आरोप लगा रहे हैं। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की खास रिपोर्ट। वो हमारा लूटना चाहे कि सब हमारा है। आप क्या चाहते हैं? न्याय। हम न्याय चाहते हैं कि हमारा वो मठ बच जाए। इसके लिए हमारा सेवक भगत भी रहता है वहाँ पर, तो ये कहते हैं कि सब लुटेरा गुंडा बदमाश को रखा है। भूमाफिया है क्या वो सब? हाँ, भूमाफिया लोग कहते हैं। हमारा सेवक भगत भी आते हैं तो उनको मंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अपने आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, जी उनसे क्या गुहार लगाएंगे? अब तो मुख्यमंत्री जी के तो हम करेंगे, इसके बाद अब क्या होता है। क्या उनसे मांग करना चाहेंगे? हम लोग मांग चाहते हैं कि हमारा मठिया सुरक्षित हो जाए। हाँ ठीक। लीज है, कैसे तोड़वा दिए? हमारे यहाँ 105x200 फीट में हमको श्री महावीर दास ने लीज दिया, जिसमें उसमें स्टेज भी आता था, जो लाज वाला स्टेज। वो कुछ लोग मिल करके, साधु और उनके जो चमचे थे, मिल करके हमारा तोड़ करके और फेंक दिए लॉन में। मैं पुलिस बुला करके और उसको दिखाया भी, दिखा करके उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग अदालत का जो भी बात है मानिएगा, लेकिन हमारा 200 फीट तो हमारा कायम होना चाहिए ना, जो लीज के अनुसार है, जो कि महावीर दास भी उस कमाई से आधा पैसा लेते थे और मैं लेता था। तो स्टेज रहेगा तभी ना हम जो है लाज चला पाएंगे ढंग से। बड़ा अगर लॉन रहेगा तभी पैसा आएगा बढ़िया। ये सब किए थे ताकि उस पैसे से मठ और मंदिर का विकास हो। मुझे संरक्षक बना करके गए थे ताकि वो मठ मंदिर का विकास किया जाए उस पैसे से। राजेश कुमार सिंह जी, राजेश जी किस जी? अभी एक महंत आए थे और उनके साथ का एक सहयोगी आए थे, उनका आरोप था कि आप जबरदस्ती जमीन कब्जा कर रहे हैं वहाँ। ये सब बातें निराधार हैं। इसके पहले महंत जो है महावीर दास वैष्णव जी थे, ये जो भी आए थे ये कोई महंत नहीं है। और महंत इसके असली महंत आरा कड़रा बसंतपुर में जो है उनके वारिस हैं, और ये जो है ये पुजारी हैं। जो भी लोग आए थे ये लोग खुद कब्जा किए हैं उसमें, वो क्या नाम है बारमेसर जो है उसमें कम से कम 10-15 कट्ठा ज़मीन उसमें कब्जा किया है। हाँ, अपने को बचाने के लिए दूसरे को बता रहा है। हमारे द्वारा कोई भी ज़मीन कब्जा नहीं किया गया है। जो महावीर दास द्वारा जो भी है वो लिखित में है। महावीर दास ने जो है एक लीज दिया था होटल के लिए, और कोई हम लोग उसके अलावा कोई भी ज़मीन के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। पीछे एक ज़मीन थी जो महावीर दास के जिंदा रहते हुए पावर ऑफ अटर्नी में ही बेची गई, और उस पैसे को महावीर दास जी प्राप्त किए और उसे कुछ संस्थानों का निर्माण कराया गया, या अपने यहाँ ले जाके एक देवड़ी मठ का निर्माण कराए, और कुछ पैसा नगद और कुछ पैसा चेक द्वारा लिए, जिसका हिसाब पूरा लिखित हमारे पास है। हाँ, ये जो भी बातें कर रहे हैं सब निराधार है। जो स्थगन आदेश न्यायालय में हुआ उसके बाद 1 इंच जमीन किसी के द्वारा भी, महावीर दास के द्वारा, महंत द्वारा या मेरे द्वारा, कोई 1 इंच भी जमीन कहीं बेची नहीं गई है।
तो जो भी आरोप है क्या ये सब निराधार है। हस्तगन आदेश के बाद कहीं कोई दिखा दे कि एक इंच जमीन बेची गई है, कोई जमीन नहीं बेची गई है, को खेत दिया था और इस ये एक भी जमीन इस हस्तगन आदेश के बाद कोई जमीन नहीं बेची गई है। मामला उच्च न्यायालय में आदेश है वो कब हुआ था? अब आदेश का दिनांक तो हमको याद नहीं है, लगभग 19-20 में हुआ था, हाँ बट अभी बता रहे हैं।